मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कंप्यूटर बाबा ने अब प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दो दिन पहले इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम कर सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कंप्यूटर बाबा अचानक बीमार हो गए। कंप्यूटर बाबा को इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से आज उन्हें छुट्टी दे दी गई। इससे पहले अस्पताल में भर्ती कंप्यूटर बाबा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्हें धमकी देने और जान का खतरा होने की बात कही। हमें जानकारी आ रही है, लोग बोलने के लिए भी, हमारे भक्त भी बता रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, क्योंकि मैं मान नहीं रहा हूँ। और मानूँ क्यों, माँ नर्मदा हमारी जो है वो नरक में ले जा रहे हैं लोग, नर्मदा की खुदाई ऐसी कर रहा है कि आने वाले समय में नर्मदा ही खत्म हो जाएगी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने पत्र भी दे दिए हैं, मैंने चुनाव प्रभारी, जो चुनाव हमारे पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव का जो मुखिया होता है, उनको भी हमने पत्र लिख दिया है। DIG, कलेक्टर, IG सबको हमने पत्र लिखा है, और इसके बाद भी मुझे अभी तक सुरक्षा नहीं दी। जो सुरक्षा थी मेरी वो वापस कर ली है, इसलिए हम जो हैं, यदि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भी कोई ऐसी अनहोनी होती है, उसकी जवाबदार जो हैं चुनाव अधिकारी मध्य प्रदेश और शिवराज सरकार, शिवराज जी रहेंगे, उसके जिम्मेदार हों। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्हें धमकियां भी मिल रही है। उन्हें पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा है। फिलहाल कंप्यूटर बाबा अपने आश्रम में ही आराम कर रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों ने एक बार फिर सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।